हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें बताना है कि इसका क्या इनवर्स होगा अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है ना, देखो किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। इसको मान लो ए मैट्रिक्स, एलिमेंट क्या क्या है, 2, -2, 4 और 3। अब हमें क्या चेक करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो हमारा डिटरमिनेंट ए होगा इवेल्युएशन, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान से देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, माइनस ऑफ 4 टू जा 12, तो ये प्लस का 12, तो कितना आ गया हमारे यहां पे 4 टू जा 8, 4 टू जा 12 गलती से कर गए हम, तो 8 और 6 क्या हो गया 14, नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पहली बात क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, वो किसके इक्वल होता है हमारा, a11 a12 a21 a22, इसका ट्रांसपोज, मतलब पहले इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो निकालो भाई एडजॉइंट ए क्या आएगा हमारा। एडजॉइंट ए के लिए हमें सबसे पहले a11 निकालना पड़ेगा, क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 × m11। तो यहां पे m11 मतलब फर्स्ट रो ये कट गई, तो क्या आ गया हमारा यहां पे 3 आ गया। a12 क्या होगा हमारा, -1 की पावर 1 + 2, और यहां पे m12 इसी का माइनर। m12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट गई, तो क्या बच गया हमारे पास 4, तो 4 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -4 हो जाएगा, यहां पे -1 की पावर ओड है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई होगी। फिर हम क्या निकालेंगे, a21 -1 की पावर 2 + 1, और माइनर भी m21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रही, -2 है, तो -2 की -1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2। फिर a22 निकाल लो बच्चों, -1 की पावर 2 + 2 और m22, क्या हो गया m22, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 आ गया, तो यहां पे ये क्या आ गया, 2। ठीक है, तो हमारे पास एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ गया हमारा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू a11 क्या है 3 - 4, और ये हमारे पास क्या है 2 और 2, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो, 3 - 4 2 और 2, एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास। अब लास्ट काम बच गया हमारा, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ए का इवेल्युएशन इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय इवेल्युएशन ऑफ ए कितना था हमारा 14, तो 1 बाय 14 इनटू एडजॉइंट ए कितना निकला हमारा, 3, 2 - 4 और 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई यहां पे। अब ध्यान से देखो, या तो क्या करो, सारी की सारी चीजें 14 से डिवाइड होती है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको क्या करो, यहीं की यहीं छोड़ दो, ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आई होप क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा किस तरीके से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको डिटरमिनेंट को सोल्व आउट करना, देखना हमारा 0 है या नहीं है। 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहला काम खत्म। उसके बाद हमें एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबके कोफैक्टर निकालने, उसका ट्रांसपोज करना है, एडजॉइंट ए आ गया। इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए का सॉल्यूशन इनटू एडजॉइंट ए, 1 बाय डिटरमिनेंट ए का सॉल्यूशन क्या आया था 14 इनटू एडजॉइंट ए, बस ये हो गया हमारा इनवर्स। क्लियर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे जरूर पूछें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।